तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर लेके आए हैं जिससे पढ़ने के बाद आप कहेंगे ओ माय गॉड। तो चलिए खबर भी बताएंगे, साथ ही आपको इस समय मार्केट की रेट भी बताएंगे कि इस समय येड़ा में मार्केट की रेट क्या चल रही है, और साथ ही जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है 10 अक्टूबर को। तो देखते हैं कौन वो भाग्यशाली होगा जिसको प्लॉट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ ये खबर पढ़ते हैं। आप देख रहे हो 1.87 लाख लोगों के आवेदन, आप खबर पढ़ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं। आप सोचिए, तो अगर आपने कुछ और ऑप्शन चूज़ किया है तो आप तो बाहर हैं। तो हमेशा वन टाइम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं कि स्कीम बस 10 अक्टूबर को निकलेगी और फाइनल हो जाएगा कि कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद चलिए बात करते हैं रेट की कि इस समय क्या रेट चल रहा है, मार्केट का रेट बढ़ गया है। कुछ वीडियोस देखे मैंने कि रेट बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रेट बढ़ा नहीं है, रेट वही चल रहा है जो पहले रेट था। तो अगर आप मार्केट में रीसेल में ख़रीदने जाते हैं चीज़ें तो आपको वही पुरानी रेट पे आप मांगिए, आपको डेफिनेटली सर्च करेंगे मिल जाएगी। क्योंकि अभी ऐसा कुछ कोई डेवलपमेंट हो नहीं गया है, कोई ऐसा काम नहीं हो गया है कि जिसकी बदौलत रेट बढ़ जाए। स्कीम भी अभी आने वाली हैं तो रेट बढ़ने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये मान सकते हैं कि अब एक्चुअली लोग होते हैं जो नवरात्रि में और दिवाली के आसपास प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन दिनों में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसी का फ़ायदा डीलर्स लोग उठाते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी रेट में रीसेल में ख़रीदना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छे डीलर से मिलिए, मिलेंगे तो आपको सेम रेट में मिलेगा। तो रेट बता देते हैं, 60 मीटर से स्टार्ट करते हैं, वही रेट है, पुराना रेट है 60 मीटर का, 60 से 70 लाख के बीच में जनरल प्लॉट मिल जाता है आपको। 90 मीटर का 90 से 1 करोड़ के बीच में मिल जाता है आपको जनरल प्लॉट। 120 का बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख से स्टार्ट होता है सेक्टर 18 में, तो वहाँ पर मिल जाता है। अगर 22 डी में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा और रेट कम है, तो हो सकता है आपको 1.5, 1.10 में भी मिल जाए 120 मीटर। इसके बाद बात करते हैं 162 मीटर का, तो 162 मीटर का अभी जाएंगे तो आपको करीब 1.40 से लेकर 1.50 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं 200 मीटर, कोई प्लॉट नहीं है अवेलेबल, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, तो 200 मीटर भूल जाइए, 200 मीटर में कोई प्लॉट नहीं है। इसके बाद आते हैं 300 मीटर में, जो कि सबसे ज़्यादा सेल परचेज होता है, वही पुराना रेट है 1.90 से स्टार्ट है। अगर आप PLN में जाएंगे तो 1.90 में आपको मिल जाता है, अच्छे सेक्टर में जाते हैं तो आपको 2 करोड़ में चीज़ आराम से मिल जाती है, तो ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आप 2 करोड़ में चीज़ खरीद सकते हैं, जनरल प्लॉट आराम से मिलेगा। बात करें 500 मीटर का, तो 500 मीटर का रेट भी काफ़ी कम है और करीब 3.25 मान सकते हैं, 3.25 करोड़ का स्टार्ट हो जाता है, 3.25 करोड़ से और 3.5 करोड़ के बीच में आपको डील मिलती है ब्लॉक वाइज। क्योंकि इसमें फिल्म सिटी के पास में जो सेक्टर है उनमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, और जो फिल्म सिटी से थोड़ा दूर हैं उनमें रेट थोड़ा कम है, तो वहाँ आपको 3.30, 3.25 में भी मिल जाएगा। तो एक सवाल और है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट है, 18 या 20। वैसे मैं ये ओपिनियन आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे खुद बताइए कि सेक्टर 18 और 20 में कौन सा बेस्ट सेक्टर है, या आने वाले टाइम में बेस्ट होगा, और बेस्ट है तो क्यों है, और आने वाले टाइम में होगा तो क्यों होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अपनी भी ओपिनियन बताएंगे, लेकिन आपकी ओपिनियन देखने के बाद उसके बाद हम भी बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक फिर से नए वीडियो में, और तब तक के लिए नवरात्रि मनाइए, दिवाली आने वाली है, दिवाली मनाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, अच्छा मौका है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप रीसेल में, क्योंकि रेट बढ़ा नहीं है अभी और रेट वही चल रहा है। हालाँकि जिनके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं पैसे, तो स्कीम का वेट कर सकते हैं, और डेफ़िनेटली स्कीम आने वाली है और काफ़ी सारे प्लॉट्स आएंगे उसमें। हालांकि ये बात है कि उसमें प्लॉट साइज़ इस बार शायद, मैं सुन रहा हूं कि छोटे प्लॉट साइज़ रहेंगे, लेकिन वो भी अच्छा है, कोई नहीं। तो इंतज़ार करिए स्कीम का, और
एक स्कीम आने के बाद ही स्कीम ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद और भी स्कीम आती रहेंगी। तो स्कीम में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में रेट इस समय डबल से भी ऊपर है। तो कोशिश करिए कि स्कीम में आपका प्लॉट निकल आए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।